गुड मॉर्निंग गाइस। सो अभी हम लोग चेन्नई में हैं और वॉच चालू है, 12 o'clock जाना रहता है वॉच पे। और अभी चलते हैं नीचे, देखते हैं क्या क्या चल रहा है, आपको दिखाता हूँ। तो अभी चलते हैं नीचे, उसके बाद बात करते हैं। चलो फिर। तो गाइस अभी हम लोग इंजन रूम में आ गए हैं और अभी चलते हैं राउंड लेने, और अभी COPD चल रहे हैं क्योंकि कार्गो डिस्चार्जिंग हो रहा है। और अभी हम लोग राउंड लेंगे, क्या क्या चीज़ें चेक करनी है, ऑलमोस्ट दिखा चुका हूँ पहले भी। तो चलते हैं नीचे, चेक करेंगे क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, आपको दिखाता हूँ, उसके बाद वापस ECR में आ जाएंगे। चलो फिर चलते हैं। तो जब भी आप राउंड पे जा रहे हो तो जो भी जनरेटर रनिंग में है, आप सम्प लेवल चेक करो, जो भी है, जो लेवल है बराबर है कि नहीं, मिनिमम लेवल से नीचे तो नहीं है, ये चेक करना ज़रूरी है। और एग्जॉस्ट टेम्परेचर चेक कर लो सबके, सारे यूनिट्स के, और आपका जो फ्यूल टेम्परेचर है कितना है, ये सब चीज़ें चेक करनी ज़रूरी है। हाँ तो गाइस ये अपना फ्यूल टेम्परेचर है जो आप देख सकते हो, गेज पे शो करेगा। उसके बाद आप इसका फ्यूल ऑयल प्रेशर देख लो, कितना फ्यूल ऑयल प्रेशर है, वो पैनल पे शो करता है जो जो आप सामने दिख रहा होगा RPM के ऊपर। और यहाँ से सबके यूनिट्स के एग्जॉस्ट टेम्परेचर शो करते हैं, तो सबके चेक कर लो जितने भी यूनिट्स हैं, ये बराबर है कि नहीं, जो भी रनिंग जनरेटर है दो। तो गाइस अभी हम लोग एयर बॉटल ड्रेन कर रहे हैं, जैसा कि आप दिख रहा होगा, क्योंकि पानी आ जाता है लाइन में, तो ड्रेन करना ज़रूरी है हर वॉच पे आपको। टेम्परेचर चल रहा है अपना, टॉपिंग का बस टेम्परेचर। हाँ तो गाइस COPD चालू है, दो COPD चल रहा है हमारा। तो यहाँ से आप प्रेशर देख सकते हो, स्टीम चेस्ट ग्लैंड, स्टीम एग्जॉस्ट का, तो यहाँ से सब शो करेगा जितने ही पैनल्स हैं। और अभी प्लांट चल रहा है क्योंकि उस वॉच के बाद मैं चला गया था, तो नेक्स्ट वॉच कीपर ने प्लांट चालू किया। और बाकी आप राउंड ले लो बराबर।
हाँ तो गाइस अभी हम लोग ECR में, जैसे कि आप देख सकते हो कार्गो चल रहा है, कार्गो डिस्चार्जिंग चालू है। और ये आपका पैनल है जो कि बॉयलर का स्टीम प्रेशर और फ्यूल ऑयल प्रेशर सब यहाँ पे शो करता है, टेम्परेचर वगैरह। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको कम ज़्यादा करना है तो ऊपर जाना पड़ेगा बॉयलर पर। वो ऐसे जब RPM कम ज़्यादा करेगा COPT का तभी चेंज करना रहता है। बाकी अभी देखो दो बॉयलर चल रहे हैं, नंबर 1 नंबर 2 दोनों यहाँ पे वाटर लेवल शो करता है। और ये RPM का जो COPT का RPM यहाँ शो करेगा जो भी चल रहा है। और बाकी कुछ नहीं है, आपको राउंड लेना रहेगा, बीच बीच में चेक करते रहो, सब सही है, फिर आप ECR में बैठ सकते हो। बाकी यही है, चलता रहेगा डिस्चार्जिंग, उसके बाद जैसे ही ख़त्म तो प्लांट सिक्योर करना रहेगा बस। और ये आपका IG का सिस्टम है, देख सकते हो, ये IG यहाँ से देते हैं। नंबर 2 बॉयलर का ऑप्टेक दिया है, स्क्रबर पंप जो है, वहाँ स्क्रबर पंप से सीधा जाता है, सेक्शन जाता है जो कि स्क्रबर टावर में जाएगा, और वहाँ से ऑप्टेक वॉल्व से जो फ्लूड गैस होती हैं वो जाके यहाँ वॉश होगी, उसके बाद IG ब्लोअर से आपका सीधा डेक के लिए चला जाएगा। तो यही है बस मेन, यहाँ पे आप O2 देख सकते हो, यहाँ पे ऑलमोस्ट बिलो 5% होना चाहिए, बाकी सब सही रहता है। 2 जनरेटर चाहिए रहते हैं, 2 जनरेटर चल रहे हैं, और बॉयलर फीड पम्प चालू रहता है, इकोनोमाइजर फीड पम्प बंद कर देते हैं उस टाइम पे, कंटिन्यू पानी जाता है बॉयलर में। बाकी कुछ नहीं है, बाकी आप वॉच करते रहो, टाइम काटते रहो। चलो फिर चलते हैं, वॉच ख़त्म होने वाली है, उसके बाद आगे दिखाता हूँ। चलो फिर। हाँ तो भाई वॉच ख़त्म हो गई है, अभी रेस्ट के लिए जा रहे हैं, और इसके बाद फिर दोबारा सुबह 12 बजे। तो चलो चलते हैं। हाँ तो भाई अभी वॉच ख़त्म हो गई है, और कुछ खाने के लिए आप खा सकते हैं अकेली में। हम लोग अभी मैगी बनाते हैं इस टाइम पे, मैगी वरना ब्रेड कुछ भी हो, तो मैगी बनाने के लिए आया था मैं, मैगी बना के खा के वापस। अभी चलते नीचे कुछ खाते हैं, उसके बाद फिर सो जाएंगे, थोड़ा नेट चलाएंगे क्योंकि अभी नेटवर्क आ रहा है। तो अभी चलते नीचे। हाँ तो गाइस मैगी बन गई है, जैसे कि देख सकते हो अभी। हाँ तो गाइस अभी ड्यूटी से आ गया हूँ, वॉच ख़त्म हो गई है, तो इसके बाद अब ब्रेकफास्ट तो मिलेगा नहीं आपको, फिर वापस 12 बजे जाना है। तो इसके लिए हम लोग मैगी बना के खा लेते हैं, या कुछ भी ब्रेड वगैरह, जैसे कि आप देख सकते हो मैगी मैंने बना ली है। तो अभी खा के वापस सो जाऊँगा, फिर 12 बजे जाना है वॉच पे। तो यही रूटीन रहता है, अभी तो मेरा 7 मंथ फिनिश हो गया ऑलमोस्ट, और अब घर जाने का टाइम आ गया, धीरे धीरे 1-1.5 महीने बाद साइन ऑफ हो जाएगा शायद मेरा, तो टाइम कट गया है 7 महीना। तो अभी 2 डिस्चार्जिंग और करना, उसके बाद फिर ऑलमोस्ट उतर जाऊंगा मैं भी। तो चलो फिर ठीक है, आज के लिए बस इतना ही है गाइस, जैसा भी होगा कमेंट करना। सो चलो फिर बंद करता हूँ। So thank you for watching this video. Bye.